गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। एक्सप्लेन अबाउट दिस नेक्स्ट लेसन। आपने सोच रहे होंगे कि हमने चैप्टर सेवन को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैप्टर सेवन को एक्सप्लेन करने का एक ही रीजन था कि हमने जो है ग्रुप में कुछ डिलीट जो है पोर्शन को आपको सेंड किया था, अंडरस्टैंड, जिसमें कि आपका लेसन सिक्स ये कम्प्लीटली रूप से जो है डिलीट कर दिया गया, अंडरस्टैंड। इसके थ्रू जो होता है, इसलिए हमने चैप्टर सेवन को स्टार्ट किया। और चैप्टर सेवन में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वे भी कुछ टॉपिक हमारे डिलीट कर दिए गए, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि एनाटॉमी ऑफ एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच एंड एनिलिट, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, मॉर्फोलॉजी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जितने सारे सिस्टम हैं, ये सब को जिसका हमने ब्रीफ अकाउंट कर रहे थे, ब्रीफ स्टडी करने वाले थे, लेकिन वो भी पोर्शन आपका जो है इस लेसन से डिलीट कर दिया गया। केवल आपका पोर्शन बचा हुआ है एनिमल टिश्यू, अंडरस्टैंड। और इस एनिमल टिश्यू में हम आपको ये बताएंगे कि ये आपके एनिमल टिश्यू में, क्योंकि हमारा लेसन ये बता रहा है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, कि किसी एनिमल का पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अंडरस्टैंड। क्योंकि आज इस वीडियो में केवल इस लेसन के बारे में जिस टॉपिक को हमें एक्सप्लेन करना है, हमें पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में केवल हम कॉन्सेप्ट ही बताएंगे, अंडरस्टैंड। डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे कल से, अंडरस्टैंड। तो इसमें ये कंडीशन है कि अबाउट दिस एनिमल टिश्यू, कि एनिमल टिश्यू क्या है, जबकि हम ये जानते हैं कि टिश्यू क्या है, व्हाट इज द टिश्यू, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेल, जिसमें कि यदि ये कहा जाए कि सेल जो है लाइफ की यूनिट है, अंडरस्टैंड, कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड। तो ग्रुप ऑफ सेल दैट इज नोन एज टिश्यू, जो एक डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब इस एनिमल टिश्यू में पूरे टिश्यू सिस्टम को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, कि पूरे एनिमल टिश्यू में कौन कौन से पार्ट आपको जो है स्टडी करना है, अंडरस्टैंड। तो इसका हमने जो है एक तो आपका ग्राफ जो है इस पर प्रिपेयर किया हुआ है, अंडरस्टैंड। और इस ग्राफ के थ्रू जो है एनिमल टिश्यू, जिसमें कि इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, पूरे एनिमल टिश्यू को 1, 2, 3, 4 फोर पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट दैट इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड दैट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड दैट इज नोन एज मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ दैट इज नोन एज न्यूरल टिश्यू और नर्वस सिस्टम, अंडरस्टैंड, और नर्व सेल का नाम दिया गया। मतलब ये हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब कि उस तरह का टिश्यू जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के कॉन्टेक्ट में रहे, मतलब ये क्या कंडीशन है, ये एपिथेलियल टिश्यू, अंडरस्टैंड। बॉडी के अपर पोर्शन पर जो बैरियर का काम करता है वो क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो सिंगल लेयर होता है, अंडरस्टैंड, सिंगल लेयर ऑफ द सेल दैट इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू, अंडरस्टैंड। और इस एपिथेलियल में पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरे ऑर्गन के अंदर इनके सिचुएशन कहाँ कहाँ, किस किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, ठीक है, इसको तो हम डिटेल में बात करेंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन अब एपिथेलियल टिश्यू को उसके फंक्शन के बेस पर इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, इसको डिफरेंट पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला आपका स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकेंड दैट इज नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड दैट इज नोन एज कॉलमनर एपिथेलियम, एंड फोर्थ दैट इज नोन एज सीलिएटेड एपिथेलियम, एंड लास्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें आपका एग्जोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, अंडरस्टैंड। एग्जोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विथ डक्ट ग्लैंड, विथ डक्ट ग्लैंड, अंडरस्टैंड। और इसका नाम देते हैं हम डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड, अंडरस्टैंड, डक्टलेस ग्लैंड।
अंडरस्टैंड। तो अब इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका विथ डक्ट ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड, क्या होता है एग्जोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, इस ग्लैंड के बारे में डिटेल हमें स्टडी करना है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट आपकी लास्ट है। अंडरस्टैंड, फिफ्थ यूनिट जो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें इसको डिटेल स्टडी करना है कि भाई ये एग्जोक्राइन ग्लैंड क्या है और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। अंडरस्टैंड, इसके बाद कंडीशन आती है सिंपल और उसके बाद ये कंपाउंड, कंपाउंड में जो होता है आपका मल्टीलेयर्ड और उस कंडीशन में ये कंपाउंड में थ्री जंक्शन मिलेंगे, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एधरिंग जंक्शन। अंडरस्टैंड कि वास्तव में हमारा एक टिश्यू जो है ये दूसरे सेल से या दूसरे टिश्यू से अटैच है तो कहाँ कहाँ पर टाइट जंक्शन है और कहाँ कहाँ पर गैप जंक्शन है, कहाँ कहाँ पर एधरिंग जंक्शन है, ये जंक्शन क्यों बनाए गए। अंडरस्टैंड कि वास्तव में इसके जंक्शन बनाने का रीजन क्या था और इसके फंक्शन क्या थे, इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अंडरस्टैंड, और उसके बाद जो है नेक्स्ट कंडीशन है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है कि ये जो होती है आपके थ्री पार्टों में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अंडरस्टैंड, यदि लूज कनेक्टिव टिश्यू ना रहे तो हमारी बॉडी जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगी। अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, टाइट जो है वहाँ पर क्या होता है कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं टिश्यू एक दूसरे से, इसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू, और ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू का एग्जांपल आपको बता दें कि ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है आपका ब्लड। अंडरस्टैंड, अब ये कहा जाए कि व्हाट इज द ब्लड, ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन फ्लूइड फॉर्म। अंडरस्टैंड, या तो एक तरह से ये कहा जाए कि ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन फ्लूइड फॉर्म। शॉर्ट में यदि हमको कहना है तो व्हाट इज द ब्लड, तो ब्लड को ये कह देंगे कि ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। अंडरस्टैंड, कितनी शॉर्ट डिफिनेशन है लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, एक यूनिक डिफिनेशन दीजिए आप। अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ब्लड, इस तरह से कहने से काम नहीं चलेगा, ये तो क्लास नाइन्थ एंड टेंथ की बात हो गई कि ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, नहीं। अब यहाँ पे क्लास इलेवेंथ में आपको जनरेट करना पड़ेगा न्यू डिफिनीशन कि ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन फ्लूइड फॉर्म। अंडरस्टैंड, इसे लग रहा है कि बहुत लंबा है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें फोर पॉइंट आपको लर्न यदि हो गया तो पूरी ब्लड की डिफिनीशन याद हो गई। कौन कौन फोर पॉइंट है, सबसे पहला आपका स्पेशल, स्पेशल, उसके बाद सेकंड क्या हो गया कनेक्टिव, और थर्ड क्या हो गया टिश्यू। अंडरस्टैंड, एंड फोर्थ की कंडीशन क्या हो गई फ्लूइड। ये चार पॉइंट यदि आपको लर्न हो जाए तो ब्लड की डिफिनेशन बन जाएगी, ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन फ्लूइड फॉर्म। अंडरस्टैंड, ये ब्लड की क्या हो गई डिफिनेशन हो गई, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल है वो। अब कोई पूछे कि भाई ब्लड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं, कि भाई ब्लड को स्पेशल हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यू बी सी एंड आर बी सी। अंडरस्टैंड, इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यू बी सी एंड आर बी सी, जिसमें कि रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरियर करने का काम करेगा। व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स क्या करेगा, एक तरह से डिफेंस ऑर्गन का काम करेगा। अंडरस्टैंड, जिसमें कि आपका डब्ल्यू बी सी जो है माइक्रोब्स को डैमेज करके आपके बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज कर देता है। दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तभी इसको कहा जाता है कि ब्लड इज स्पेशलाइज्ड। अंडरस्टैंड, स्पेशल है वो। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन हो गई आपके कनेक्टिव टिश्यू की। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन हो गई मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू में आपका स्केलेटन मसल है, उसके बाद स्मूथ मसल, और उसके बाद कार्डियक मसल, तीन तरह के मसल हैं आपकी बॉडी में। इसको हम जो है एक
कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, तीन तरह के मसल हैं, ठीक है। और ये स्केलेटन मसल इसका नाम क्यों दिया गया कि उस मसल का कनेक्शन डायरेक्ट जो है स्केलेटन से है, बोन से है, अंडरस्टैंड, डायरेक्टली रिलेटेड इनटू बोन। दिस टाइप ऑफ मसल्स दैट इज नोन एज स्केलेटल मसल, अंडरस्टैंड। जो कि कैसी होती है कंडीशन भाई स्केलेटन मसल की, वॉलंटरी होती है, एक्चिंग होती है, अपनी इच्छाओं के अनुसार उस पर वर्क कर सकते हैं आप, अंडरस्टैंड। लेकिन जिस मसल का कनेक्शन बोन से नहीं है, अंडरस्टैंड, अभी से मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कनेक्शन ही जो है बोन से नहीं है यहाँ पर इस कंडीशन में, अंडरस्टैंड, स्मूथ मसल, और उस कंडीशन में यहाँ पर स्मूथ मसल उसको कहते हैं, और स्मूथ मसल को एक और नाम दिया जाता है इनवॉलंटरी मसल, जिस पर आपकी इच्छाओं का कोई नियंत्रण नहीं है, नॉट कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ विल, अंडरस्टैंड। आपकी इच्छाओं का जो है कंट्रोल उस पर नहीं होता है, वो अपने आप वर्क करती हैं, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन होती है कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट, और कहीं ये प्रेजेंट नहीं होती है, केवल कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, अंडरस्टैंड। इसलिए कि इस तरह की मसल हार्ट में इसलिए केवल प्रेजेंट होती है कि वह जो है क्या करता है, कंटीन्यूअस मूवमेंट करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर के आपके डेथ होने से पहले तक, अंडरस्टैंड। ये कार्डियक मसल जो होता है कंटीन्यूअस रिदमिक मोशन करता है, अंडरस्टैंड, फिर भी इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह का एक स्पेशल आपका मसल है जिसका नाम है कार्डियक मसल, जो ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, अंडरस्टैंड। अब आपसे कहा जाए कि हार्ट जो है मसल का बना हुआ है कि नर्वस सिस्टम का बना हुआ है, हार्ट आपका मसल का बना हुआ है। हार्ट इज मायोजेनिक नॉट न्यूरोजेनिक, नर्वों से उसका कोरिलेशन है, नर्वों का वो नहीं बना है, वो मसल्स का बना हुआ है, अंडरस्टैंड। मसल यदि कहीं आपकी जो है डैमेज होती है तो हार्ट पे इफेक्ट आ जाएगा, जबकि आपका यदि नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस हो जाए तो हार्ट पे इफेक्ट आएगा, नहीं इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं हार्ट पे आएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके मस्कुलर सिस्टम की, मसल की, अंडरस्टैंड। और ये मसल वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक, इसको स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल नाम दिया गया, अंडरस्टैंड। यदि मसल नहीं होती तो हमारे बॉडी का शेप और साइज भी नहीं बनता, अंडरस्टैंड। अब बताइए, सोचिए आप कि यदि मसल को आपकी बॉडी से हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो आपकी बॉडी कैसी लगेगी, स्केलेटन सिस्टम लगेगा, अंडरस्टैंड, कोई देख कर डर जाएगा आपको, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है क्या होती है, आपके मसल की होती है। अब क्या कंडीशन है, न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वॉल्वमेंट में जो भी स्टिमुलेशन होता है उसको तुरंत रिसीव करके आपके ब्रेन को ट्रांसफर कराने का काम करती है, जिसके द्वारा ब्रेन एनालाइज करेगा और एनालाइज करके एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वॉल्वमेंट में होने वाले चेंजिंग से आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स देने का काम करेगा, इसको कहते हैं न्यूरल सिस्टम, अंडरस्टैंड। यदि नर्वों को इनएक्टिव कर दिया जाए तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है। अभी पूरे सिस्टम को मिलाकर क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया, किसका, एनिमल, अंडरस्टैंड, लिविंग बॉडी का, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो एनिमल की बॉडी, क्योंकि प्लांट में भी स्टिमुलेशन होता है, अंडरस्टैंड। क्लास टेंथ में आप पढ़े होंगे क्या, एक जो मिमोसा प्यूटिका, छुई मुई का प्लांट, अब छुई मुई का प्लांट जो है एडोस्टेटिक होता है, कि जैसे किसी जो है स्टोन पर का वार करते हैं उसके लीफ पर क्या करता है, थोड़ा सा भी आप वार करेंगे तुरंत उसकी पत्तियाँ क्या कर जाएंगी, लीफ जो होती है तुरंत बिल्ट कर जाएंगे, अंडरस्टैंड। और फिर थोड़े समय के बाद फिर वो टाइट हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। इसका मतलब कि स्टिमुलेशन रिसीव करता है, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट को यदि गमले में रख दिया जाए विंडो के पास, तो उसका मूवमेंट किस तरफ से होगा, किस तरफ जाएगा वो, जहाँ से उसको सोर्स मिलेगा, सनलाइट जहाँ से मिलेगी उसका मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब कि स्टिमुलेशन वो भी रिसीव करता है, तो एनिमल भी रिसीव करेगा और प्लांट भी करते हैं, अंडरस्टैंड।
तो इस तरह की पूरी कंडीशन जो होती है आपके एनिमल टिश्यू में होती है। यही पूरे एनिमल टिश्यू का एक ग्राफ है जिसको वन बाय वन आपको डिटेल स्टडी करना है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।